गुड मॉर्निंग एवरीवन, दिस इज उर्वशी कालरा। टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस द ट्रिक्स टू सॉल्व द क्वेश्चंस बेस्ड ऑन इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन विद यू। आज मैं आपके साथ इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन और इनवर्स प्रोपोर्शन बोथ आर सेम इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने की ट्रिक डिस्कस करूंगी। सो व्हाट डू यू मीन बाय इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन? पहले आपको पता होना चाहिए कि इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन होता क्या है। In indirect proportion, if one quantity increase, other one will get decrease, and if one quantity will get decrease, other one will get increase. एक quantity decrease हो रही है तो दूसरी क्या होगी? Increase होगी, and if one quantity is getting increase, other one will get decrease. Okay? So in indirect proportion, what you have to remember? You have to remember that in this case, product remains कॉन्स्टेंट। प्रोडक्ट हमारा कैसा रहता है? कॉन्स्टेंट रहता है। एज यू नो दैट इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन में हमारा रेशियो कॉन्स्टेंट रहता है और इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन में प्रोडक्ट कॉन्स्टेंट रहता है। इफ यू चेक दैट वीडियो द ट्रिक फॉर डायरेक्ट प्रोपोर्शन इट्स गुड। अदरवाइज आई विल शेयर द लिंक इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स, यू कैन चेक फ्रॉम देयर। ओके, सो द प्रोडक्ट रिमेन्स कॉन्स्टेंट। प्रोडक्ट हमारा कैसा रहता है? कॉन्स्टेंट रहता है। ओके, प्रोडक्ट मीन्स, प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है? मल्टीप्लाई, है ना। द प्रोडक्ट रिमेन्स कॉन्स्टेंट। नाउ लेट अस डिस्कस इट बाय टेकिंग अ एग्जांपल। एक एग्जांपल लेते हैं हम। सपोजिबली द एग्जांपल इज इफ अ वर्क इज डन बाय 5 men in 10 days, in how many days, कितने दिनों में 25 men can complete the same? कि कितने दिनों में 25 लोग इस काम को पूरा कर देंगे। ओके, कि एक वर्क है वो 5 आदमी है, वो कितने दिन में करते हैं? 10 दिन में। अगर 25 आदमी होंगे तो वो कितने दिनों में करेंगे? सो अब आप पहले ये रीड कीजिए, रीड इट, देन यू विल गेट इट दैट दिस इज द कंसेप्ट ऑफ डायरेक्ट प्रोपोर्शन और इनवर्स प्रोपोर्शन। इफ अ वर्क इज डन बाय 5 men इन 10 days, 5 आदमी है 10 दिन में काम कर रहे हैं। अगर हम आदमी ज्यादा लगा दें, आदमी क्या होगा? इंक्रीज। ओके, मैन विल गेट इंक्रीज, तो कितने दिन लगेंगे उन्हें? कम दिन लगेंगे ना। अगर ज्यादा आदमी लगा रहे हैं तो काम करने में कम टाइम लगेगा, अगर आदमी कम हो गए तो काम करने में ज्यादा टाइम लगेगा। मींस इफ वन थिंग इज गेटिंग इंक्रीज देन अदर इज गेटिंग डिक्रीज। इट मींस दिस इज द कांसेप्ट ऑफ इनडायरेक्ट और इनवर्स प्रोपोर्शन, है ना। सो एज यू नो दैट इन इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन, इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन में क्या होता है? द प्रोडक्ट रिमेन्स कॉन्स्टेंट। सो प्रोडक्ट कॉन्स्टेंट रहता है तो मैं क्या लिख सकती हूँ? यहाँ पर मैं लिख सकती हूँ कि नंबर ऑफ डेज मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ मैन। प्रोडक्ट यही हुआ ना, तो अब देखें क्या लिखेंगे कि मैन वन मल्टीप्लाइड बाय डे वन, ये प्रोडक्ट हो गया। इट रिमेन्स कॉन्स्टेंट, ये किसके इक्वल होगा? मैन टू इंटू में डे टू, कि पहले कितने आदमी थे और कितने दिन लग रहे थे, किसके इक्वल होगा? पहले, बाद में कितने आदमी हो गए और कितने दिन लग रहे हैं। प्रोडक्ट कॉन्स्टेंट रहेगा, प्रोडक्ट इज कॉन्स्टेंट। सो 5 men आर 5 एंड डेज टेकन बाय देम टू डू द वर्क इज 10 इज इक्वल्स टू मैन आर 25 एंड डेज टेकन बाय देम वी हैव टू फाइंड इट। ओके, नाउ 25 इज इन मल्टीप्लीकेशन, हेयर इट कम्स इन डिविजन। 25 मल्टीप्लाई में है, यहाँ किस में आ जाएगा? डिवाइड में। So D2 remains as it is. 5 ones are 5, 5 5 are 25, 5 twos are 10. So 1 multiplied 2, what will be you get? You will get 10. Means if 25 men are there, it takes only 2 days to complete the work. Tab kaam kitne dinon mein khatam ho jayega? Sirf 2 hi dinon mein khatam ho jayega. Okay? So I hope you get it, aapko samajh aa raha hai. If you still face any kind of difficulty, you can comment me. If you like my video, please like, share and subscribe my channel. Thanks for watching.